ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसके अंदर थर्ड रो के अंदर भी इतना स्पेस देखने को मिलता है नॉल्ट की गाड़ियों में। एक ये प्लस पॉइंट पर रहता है कि भाई इनका बेस वेरिएंट से आपको बहुत ज्यादा फीचर अपने को देखने। अगर आपका 8 लाख से कम का बजट है तो 7 सीटर के हिसाब से सबसे सस्ती गाड़ी आपको, तो सबसे ज्यादा बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आए हैं, अगर आपका 8 लाख से कम का बजट है, ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर बताएं तो लगभग 7,80,000 रुपए है। लेकिन उसके अंदर अगर आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए या फिर एक ऐसी गाड़ी चाहिए अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए और 5 सीटर गाड़ी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी सबसे बेस्ट गाड़ी है। क्योंकि अगर बूट स्पेस के हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, लगभग 625 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है सीट फोल्ड होने के बाद में। और अगर 7 सीटर के हिसाब से देखोगे तो 7 सीटर के हिसाब से सबसे सस्ती गाड़ी आपको ट्राइबर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अर्टिगा के ऊपर जाओगे तो वो लगभग 10 लाख के आसपास आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे सस्ती गाड़ी 7 सीटर गाड़ी और उसके साथ में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में ये गाड़ी आती है। शुरुआत करते हैं इसका, ये सेकेंड बेस वेरियंट है RXL। इस वेरियंट में आपको बाहर से काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरियंट कहते हैं ना, वो वाला वेरिएंट ये गाड़ी है। तो सबसे पहले गाड़ी की शुरुआत चाबी से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग के साथ में आपने चाबी देखने मिला है। फ्रंट में देखें तो एलोजन प्रोजेक्टर के साथ में आपने देखने मिला है ये लो बीम आई बीम, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सब सिंपल से आप यहाँ पर वो भी नहीं, ब्लैक कलर की आपको ग्रिल देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको एक और प्लस पॉइंट बनता है, क्योंकि अगर बेस वेरिएंट से देखो तो आपको एलोजन प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको लाइटिंग फोग लैम्प नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको ये कमी दूर कर देगी, क्योंकि आप उसके टाइम पर देखोगे बेस वेरिएंट या सेकंड बेस तक जाओगे तो सिंपल आपको एलोजन लाइट देखने को मिलती है, मतलब कि पीड़ा लट्टू, लेकिन इसमें प्रोजेक्टर के साथ में पीड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल अच्छा पॉइंट प्लस पॉइंट रहता है इसका, क्योंकि लाइटिंग के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी रही। गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो ये 1000 cc का इंजन मिलता है अपने को, लगभग 72 हॉर्स पावर और 96 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। उसके बाद में गाड़ी की साइड में देखेंगे तो सबसे पहले टायर की बात करें तो 165/80R14 14 इंच का इसके अंदर टायर देखने को मिलता है। उसके ऊपर आपको व्हील कवर देखने को मिलते हैं, गाड़ी के फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिलता है, यहाँ पर सिंपल ब्लैक कलर के आपके साथ में मिलते हैं और बेसिक से ये यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद में आपको दोनों पावर विंडो, आपको पावर विंडो देखने को मिल जाती है फ्रंट की, दोनों ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। उसके बाद में जो ORVM है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में तो आपको MID देखोगे तो MID क्या है कि इस गाड़ी के अंदर आपको बेस वेरियंट से कुछ इसकी डिजिटल की तरह देखने को मिलती है। ये देखो डिजिटल MID इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। उसके साथ में यहाँ पर इसको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। तो ऐसे इसके अंदर भाई म्यूजिक क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेंगे दोनों दरवाजों के अंदर आगे वालों में, ठीक है। और इसके साथ में म्यूजिक सिस्टम में एक और अच्छी चीज ये है भाई, देखो जो म्यूजिक सिस्टम है ना, यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ऑक्स का पोर्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक और USB पोर्ट दे रखा है जो कि छुपा के दे रखा है। अगर यहाँ पे खुला दे देते तो थोड़ा बद्दा लगता, तो यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है। नॉल्ट की गाड़ियों में एक ये प्लस पॉइंट रहता है कि भाई इनका बेस वेरिएंट से आपको बहुत ज़्यादा फीचर अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे डिजिटल MID होगी, तो और गाड़ियों के अंदर अपने को डिजिटल नहीं देखने को मिलते, गेज वाला सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। एक इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलते, रियर एड्रेस देखने को नहीं मिलते फ्रंट में, रियर में आपको और थर्ड रो में सेकंड रो में दोनों के अंदर आपको एडजस्टेबल एड्रेस देखने को मिलते हैं। इनके अंदर पीछे आपको ज़्यादा कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा इसके अंदर आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। स्पेस की बात करें तो अभी मैं बैठा हूँ, मेरी 8 6 फीट प्लस है, तो मैंने यहाँ पर सीट एडजस्ट कर ली मेरे हिसाब से, अब मैं बिल्कुल कंफर्ट में बैठा हूँ, ठीक है। और मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी देखो भाई मैं पीछे बैठ गया हूँ और गाड़ी के अंदर लेग रूम तो देखो हाई स्पोर्ट तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लेग रूम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा है, एडजस्टेबल आपको एड्रेस देखने को मिल जाते हैं, तो आपके लिए सफ़र बहुत ज़्यादा कंफर्ट में हो जाएगा। अगर आपकी 7 बंदे फैमिली, पीछे आप बच्चे बैठा दो, यहाँ पर आप बड़े बैठा दो, तो स्पेस में भी कमी नहीं आएगी। अगर आपको बूट स्पेस चाहिए लेकिन आपको सेकंड रो वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट इसके अंदर सीटों के अंदर है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, और एक सबसे मेन बात रहती है पोजीशन सीट की, तो वो काफ़ी अच्छी है। अब मैं बैठा हूँ कितना ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाए, और देखो
इतना ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, बिल्कुल आसानी से मैं बैठा हूँ, हेडरूम भी मिल गया मेरे को, लेग रूम भी मिल गया, और थाई स्पोर्ट की थोड़ी सी डिमांड है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि सीट आगे करते हैं ना, तो उसके कारण आपको एक कमी आती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 625 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, अगर सीट फोल्ड कर देते तो इतना ज़्यादा बूट स्पेस हो गया पीछे वाली सीट में, पीछे वाली रो में। और एक और देखो, इस गाड़ी के अंदर ना ब्लू जो रियर एसी वेंट है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं पिलर पे, इस साइड भी और इस साइड भी, यहाँ पर दोनों साइड दे रखे हैं। और स्पीड हाँ काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आसानी से बैठा हूँ तो मेरा यहाँ तक हवा बिल्कुल आसानी से पहुँच रही है, ठीक है। तो ये नहीं सोच हवा के ऐसे हवा के मामले में ये नहीं सोचेंगे कि कम है, अर्टिगा में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इसमें, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आपका हेडरूम खा जाता है। तो उसके बाद में अब आपको पीछे जाके दिखाएंगे पीछे आपको कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो अब जाते हैं थर्ड रो के अंदर। थर्ड रो के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको सीट फोल्ड करनी पड़ेगी और एक हाथ से आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ये है बिल्कुल एक हाथ से कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और अंदर तो बड़ी आसानी से चला गया मैं, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। अगर मैं बता रहा था कि मेरी 86 फीट से ऊपर है, लेकिन थर्ड रूम है, यहाँ पे आपको लेग रूम तो ठीक मिल जाएगा, लेकिन आपको हेडरूम भी ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसके अंदर थर्ड रो के अंदर भी इतना स्पेस देखने को मिलता है, हेडरूम भी ठीक है, लेग रूम भी ठीक है, थाई स्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगा लो बैठा बैठा हूँ, थाई स्पोर्ट अपने को देखने को नहीं मिलता, इस थाई स्पोर्ट तो नहीं, बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी ये सीट, बच्चा अगर बैठेगा तो उसके स्पेस में तो कोई कमी नहीं आएगी, 6 फीट का बंदा आसानी से बैठ सकता है, 6 फीट से ऊपर तो बच्चा तो बिल्कुल आसानी से बैठ सकता है। इन सीट को आप निकाल भी सकते हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर बूट स्पेस के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रो के अंदर भी एसी वेंट अपने को देखने को मिलते हैं, तो और ये भी ऐसे नहीं कि खुले हैं, आप इनको बंद भी कर सकते हैं, ये देखो ये हमें बंद हो गए और खोलना है तो इससे खोल सकते हो, ये कंट्रोल होंगे आपके शायद आगे वाले, इससे यही से आपके थर्ड एसी वेंट थे ये भी कंट्रोल होंगे उसी स्पीड से, सेकंड रो वाले और थर्ड रो वाले दोनों इससे, तो ऐसे लगा लो कि अंदर घुटन बनने की समस्या भी खत्म हो गई, और क्या 7,80,000 में और क्या लोगे। उसके बाद में अगर निकलना है तो अगर मेरे को बाहर निकलना है अंदर से तो मैं आसानी से निकल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं आएगी, वो थोड़ी सी आगे वाली सीट थोड़ी ज़्यादा पीछे है तो उस कारण ये तकलीफ आ रही है, नहीं तो बिल्कुल आसानी से। अभी आते इसके रियर में भी आपके लिए अच्छा वो रहेगा, क्योंकि बेस वेंट से काफ़ी गाड़ी में वो चाबी वाला सिस्टम आता है, तो इसके अंदर वो नहीं, इसके अंदर आपको यहाँ पर बटन दिया गया है, तो ये इसकी सीट आ गई, ठीक है आप इनको फोल्ड कर सकते हो, ठीक है फोल्ड करके आप इसको निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालनी हो तो। इनकी ये सीट ना पहले ये हिस्सा निकलेगा फिर ये वाला हिस्सा निकलेगा, कुछ इस तरह से आप वीडियो देख रहे होगे, इस तरह से आप इन सीट को बाहर भी निकाल सकते हैं, उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। जो स्टेपनी टायर है वो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है, रियर में आपको 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे थे कुछ भाई ड्राइवर का व्यू, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।